क्या पूछा जा रहा है? फाइंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अब सिस्टम क्या है? तो देखो सिस्टम यहां पे कैसा दिया हुआ है। यहां पर बेटा कुछ इस तरीके से पुली गिवन है, लाइक दिस, एंड इट इज अटैच्ड विथ टू ब्लॉक्स। द वन इज ऑफ 3 kg एंड अनदर वन इज ऑफ 2 kg। ठीक है, ग्रेविटी यू कैन टेक 10 m/s². ये क्वेश्चन है बेटा। सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। बताइए क्या करेंगे? एनी आइडिया? ये पूरे सिस्टम को सर समझ। बोलो सर, m1 a1 + m2 a2 / m1 + m2 और ठीक है। एक्सेलरेशन हम लोग जी जी रखेंगे तो उससे हो जाएगा। एनीवन एल्स? और कोई? दैट्स राइट, सॉल्यूशन विल बी देयर कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ यू नीड टू फाइंड आउट। सो ये तो करना ही है, बट एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे आप? m1 a1 + m2 a2 / m1 + m2, क्या करेंगे? a1 a2 कैसे निकालेंगे? तो एक चीज समझो, ग्रेविटी इज वर्किंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो क्या इस बॉडी पे भी लग रही होगी ग्रेविटी? तो भाई तो आप समझिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे कितना वेट लग रहा है? 30 न्यूटन। इस पे कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। यहां पर क्या टेंशन भी लग रहा होगा? यस और नो? यस सर। एंड वेन यू रिलीज अ सिस्टम फ्रॉम द रेस्ट, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, कुछ ऐसा होगा क्या? यस और नो? सो यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि दिस विल गो डाउन विद एक्सेलरेशन ए, विद द सेम एक्सेलरेशन दिस विल कम अप। ये चीज क्लियर है? सो इफ वी कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन सो विल हैव द आंसर। बट यहां पर एक चीज समझिए कि ये ए वन है और ये ए टू है, ठीक है? तो भाई एक बात बताइए कि यहां पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टेंशन 3 kg पे ऊपर लग रहा है, 30 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? वी कैन हैव टू डिफरेंट इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ NLM, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं हम इसका, मतलब बना ही लिया है, क्या हमें उसकी इक्वेशन बना सकते हैं? तो इसकी इक्वेशन बेटा कुछ ऐसी बननी चाहिए। देखो 30 - t = 3 × a। समझ में आया? यस सर। सेकंड है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड के लिए देखिए,
अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंशन टी ऊपर लग रहा है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टी माइनस 20 इक्वल्स टू 2 into a। क्या इक्वेशन नंबर 2 ये बन गया, यस और नो? यस सर। नाउ विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 and 2 कैन वी इजीली से द माइनस टी प्लस टी कैंसिल होगा, 30 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 10 और ये होगा 3 plus 2 तो ये होगा 5a। सो एक्सेलरेशन विल बी 2 meter per second square। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 meter per second square। क्या ये एक्सेलरेशन हमारे पास में आ गया? बट वन थिंग टू अंडरस्टैंड कि यहां पर एक्सेलरेशन के साथ उसकी डायरेक्शन को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज गोइंग डाउनवर्ड एंड दिस इज गोइंग अपवर्ड। तो माइनस जे कैप और प्लस जे कैप या माइनस टू और प्लस टू ये हमें लेना पड़ेगा, यस और नो? क्या ये चीज क्लियर है? सो नाउ आई कैन राइट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 by m1 plus m2. So for that m1 hai 3 kg, acceleration a1 is going downward, so I can take it as a negative, that means minus 2, plus m2 is going upward, that means 2 kg, we can take it as a positive, and the a2 which is plus 2 by m1 plus m2, that means 3 plus 2, that is 5. So minus 6 plus 4 minus 2 by 5 meter per second square. This is your center of mass. Acceleration of center of mass. Anyone has any doubt in this now? Chalo bolo, koi doubt isme? No sir. Pakka? No sir. है किसी को कोई डाउट? नो सर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फिर लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आप सोच रहे हो कि सारा सारी क्वेश्चन अच्छे ही हैं सर है? देखो यहां पर एक मैंने ब्लॉक ले लिया, ठीक है, ऑफ मास एम, एंड एक ब्लॉक मैंने यहां पर ले लिया ऑफ मास एम, ठीक। ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, two identical masses are released from a fixed smooth inclined plane as shown below. Kya hai? Two identical masses are released from a fixed smooth inclined plane
एस शॉन बिलो सो फाइंड द सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन कर सकते हो That means you need to find out center of mass along x-axis and center of mass along y-axis. Can you do this? Try karoge ya main karu batao? Gravity that you need to take 10 meter per second square. Kar sakte ho ya main karu? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा. सबसे पहली चीज हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है. वी नो दैट द ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच एक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहां पर हम देखेंगे सो ग्रेविटी एक्ट इन दिस वे राइट. दिस इज 53 डिग्री and there will be two components. So this is g cos 53 and this is g sin 53 and here normal x. So ye normal and g cos 53 and this normal and g cos 53 ek dusre ko kya karte hain balance kar dete hain. So we are not bothered about that. Hame kisse matlab hoga? Hame matlab hoga g sin 53 se. So yahan par hum likh sakte hain g sin 53 g is 10 and sin 53. Sin 53 की वैल्यू कितनी होती है? Anyone? 4/5. तो ये कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Yes or no? ये हमने मान लीजिए a1 ले लिया. Now अगर यहाँ पर जो दूसरा मास रखा हो उसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज होगी. यस और नो? तो मैं अब इसको रिमूव करता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोइंग टू वर्क इन दिस वे. ये जी नीचे एक्ट करेगा और दिस सॉरी this and this are the components. ये 37 है. This is g cos 37 and this is g sin 37. Again normal is here. तो ये और ये cancel हो गए. Remaining is a2 is equals to g sin 37. Now we know the value of g sin 37 is 3/5. So ये गया ये गया. So acceleration a2 is equals to 6 meter per second square. क्लैरिटी है इस बात की सभी को? यस सर. एनीवन हैज एनी डाउट नाउ? एनीवन हैज एनी डाउट नाउ? नो सर. ठीक है तो A1 और A2 मिल गया. सबको क्लियर है ये चीज? सबको yes, क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Give me a moment. Okay. So now A1 और A2 clear है. कैसे आएंगे? अगर हम इसकी बात करेंगे components की, तो बेटा A1 आपका ये है. G sin 53, right? ये आपका A1 है. लेकिन along x-axis और along y-axis भी तो होगा. Along x-axis and along y-axis भी तो होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं?
यस सर। समझिए मैं यहां पे बताता हूं आपको, देखिए हमने ये A1 निकाला और ये हुआ हमारा A2, हुआ कि नहीं? दिस इज A1 एंड दिस इज A2, यस और नो? यस यस सर। ठीक है, ये एंगल होगा 53 और ये एंगल हो रहा है आपका 37, ये चीज क्लियर है? यस सर। अगर मैं इसका देखूं कि ये कितना है, A1 कितना आया? 8। A1 कितना आया? 8। तो ये A1x क्या 8 cos 53 लिख सकते हैं बेटा? A1x को क्या 8 cos 53 लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। क्या यहां पर मैं A1y को ऑन दिस वे A1y को क्या 8 sin 53 लिख सकता हूं? यस सर। राइट, सिमिलरली क्या यहां पर मैं A2 cos 37 लिख सकता हूं? सॉरी A2 कितना था हमारे पास? 6। तो क्या यहां पर ये 6 है? सो वी कैन राइट 6 A2 along x axis 6 cos 37 and A2 along y axis को क्या मैं लिख सकता हूं? 6 sin 37। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो सर। पक्का? पक्का? ठीक। नाउ A1x, A1y, A2x और A2y की वैल्यू आप देखो क्या आएगी। तो आप देखो यहां पे A1x इक्वल्स टू 8 cos 53। cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। तो ये हो जाएगा 24/5। ठीक है, यूनिट में अभी नहीं लिख रहा हूं, समझ जाएगा आप। A1y कितना हो जाएगा? 8 sin 53। तो sin 53 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। तो दिस विल बी 32/5। सिमिलरली आई कैन राइट इट फॉर द A2x एंड A2y आल्सो। सो A2x कितना हो जाएगा? 6 cos 37। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। तो ये हो जाएगा 24/5। एंड A2y की वैल्यू कितनी होती है? 6 into sin 37, तो 3/5। सो इट विल बी 18/5 meter second square inverse। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, क्या A1x एंड A2x क्या दोनों की वैल्यू सेम है? यस सर। क्या ये भी 24/5 है और ये भी 24/5 है? अब A1x एंड A2x क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अगर सेम है तो? यस सर। तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप सिंपल कर लो इसको जो अभी तक करते आए हैं। M1A1 plus M2A2
by m1 plus m2. Now we know both have the same mass m. Common निकालो, नीचे आ जाएगा m plus m2m. a1 और a2 की value put करनी है. a1 की value अगर हम लिखेंगे 24 by 5 along x axis, but it is in negative direction. So what we have to write? We have to write minus 24 by 5. So we can write minus 24 by 5. और a2 की value, so a2 along x axis क्या आ जाएगा? Plus 24 by 5. So you can put 24 by 5. Now you can see 0. समझ में आया? This is along x axis. Yes, sir. If we go for acceleration of center of mass along y axis, so m1 a1 plus m2 a2 by m1 plus m2. ये y axis के लिए है. So mass वही है, m कॉमन ले लिया, a1 y और a2 y की वैल्यू पुट करो. So a1 y कितना है? 32 by 5. This is in negative direction. है नेगेटिव डायरेक्शन में, सो वी कैन राइट माइनस 32 बाय 5. अब ए टू वाई, दिस इज आल्सो इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो आई कैन से माइनस 18 बाय 5. तो ये कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस, एम से एम गया, माइनस 32 बाय 5 माइनस 18 बाय 5. तो माइनस 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा? माइनस 50 डिवाइड बाय 5 इनटू 1 बाय 2. तो कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या ये क्लैरिटी है सभी को? यस सर. यस सर. इस पे किसी को कोई डाउट है तो बताओ. एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? No. Okay. Clear है? Yes, yes sir. ठीक है. Next देखिए. चलो एक क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है इसलिए करवा देता हूं. देखिए यहां पर वी हैव टेकन थ्री आइडेंटिकल बॉल्स, एक दो और ये तीन. इस तरीके से हमने थ्री आइडेंटिकल बॉल्स को लिया है. ठीक है ना? कहानी ये है इसकी कि ये बॉल सीधी ऊपर जा रही है, ये बॉल कुछ ऐसे जा रही है और ये बॉल कुछ ऐसे जा रही है. इन दिस वे प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके के हैंगे. This is go in this way. This will go in this way. And this will go upward direction in this way. ठीक है? तीनों का मास m है, because I already said it's identical. They all are identical balls. So three identical balls are projected in three different direction as shown below. Find time of flight, maximum height and range of center of mass. अब आप देखो यहां पे कि projectile motion को center of mass से कैसे correlate किया गया है. इसका मतलब अगर आपको center of mass आता है लेकिन projectile नहीं आता तो आप ये question solve नहीं कर सकते हो.
और अगर प्रोजेक्टाइल आता है लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं आता तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। बात आई समझ में? नाउ गिवन क्या क्या है वो देखिए, ये यू वन से जा रहा है, ये यू टू से जा रहा है एंड ये यू थ्री से जा रहा है। द वेलोसिटीज आर ऑल्सो गिवन। यू वन गिवन है माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, U2 गिवन है 4J कैप एंड U3 गिवन है 6I कैप प्लस 4J कैप। ठीक है, ठीक है। हेलो, अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज फाइंड करने से पहले हमें उसका क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी तो पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज वी नो दैट कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u y / g, मतलब 2u sin θ / g, हाइट u² sin²θ / 2g, पता है ना ये फॉर्मूला, ये भूल गए? yes. तो बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं उसको अगर हम लिखें यहां पे, टाइम ऑफ फ्लाइट वी कैन से 2 times of u along y axis / g। क्या हम ये लिख सकते हैं? पहले तो बताओ, ये जो मैंने लिखा है 2 u y / g, क्या ये सही है कि गलत है? सही है सर। रेंज को अगर मैं लिखूं वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या ये सही है? और हाइट के लिए अगर मैं लिखूं वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का होल स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, क्या ये तीनों तीन फॉर्मूला सही है? यस सर। यस सर। ग्रेट। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर फाइंडिंग? वी आर फाइंडिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, यस और नो? तीनों का, बिकॉज वी आर नॉट फाइंडिंग इंडिविजुअली। समझ में आ रही है मेरी बात? सेंटर ऑफ मास इंडिविजुअल फाइंड नहीं कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का होता है एंड द पार्टिकल्स आर देयर which are three here, they all are identical, that means they have same mass, they are having different velocities, right? अब acceleration की कहानी देखो, सारे के सारे नीचे ही आने वाले हैं भाई, ऊपर जाके नीचे तो आएगा। तो अगर हम देखें तो सबसे easy चीज जो हमारे पास है वो ये है कि minus g j cap, a2 भी आएगा minus g j cap and a3 भी आएगा minus g j cap, मतलब कि acceleration A1, A2 and A3 which are minus gg cap, gg cap, minus gj cap, downward direction में है, in the negative way, इसीलिए minus j cap, gravity है इसलिए g। ये फंडा क्लियर है सभी को? Yes sir। ठीक है, U1, yes, U2, sir. U3 हमको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है दिया हुआ। तो now we can find it velocity center of mass, so मैं direct लिख रहा हूँ m1v1 m2v2 m3v3 / m1 + m2 + m3। तो I know कि mass will be common, mass क्या आ जाएगा? Common आ जाएगा, right? So हम यहाँ पे लिख सकते हैं v1 + v2 + v3 / 3m, m से m cancel, v1 + v2 + v3 / 3। Now v1 कितना है? तो v1 है -3i cap + 4j cap, V2 कितना है 4j cap, V3 कितना है 6i cap + 4j cap। भाई U1, U2, U3 हमने लिखा है वो यही तो है, वही मैंने V1, V2, V3 ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किस तरह आपने U1 को V1 ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो मैं U1 लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
नाउ डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 3. सो माइनस 3i और ये प्लस, सॉरी ये 4j है राइट, यस 4j है, ये ध्यान रखना, i और j में बहुत दिक्कत होती है, नहीं तो ये माइनस 3i प्लस 6i, तो 6 माइनस 3 प्लस 3i, तो ये और ये हो गया. नाउ 4j प्लस 4j प्लस 4j, तो टोटल कितने हो गए, 12j हो गया, डिवाइड बाय 3, 3 से हटाओ मतलब 3 कैंसिल करो, तो क्या आ जाएगा, i प्लस 4j कैप. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज i कैप प्लस 4j कैप. कोई दिक्कत यहां तक? नो सर. नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू अगेन एम ए वन प्लस एम ए टू प्लस एम ए थ्री बाय 3m. वी नो दैट मास कैंसिल होने ही वाला है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री बाय 3 होगा. ए वन है माइनस जी जे कैप, ए टू है माइनस जी जे कैप एंड ए थ्री है माइनस जी जे कैप एंड डिवाइड बाय 3. तो ये हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ जी जे कैप बाय 3, 3 से कैंसिल आउट. So center of mass of acceleration is minus g j cap. Quite out? No sir. ठीक है? Clear है? Clear है? Yes, sir. अब वेलोसिटी देख के आपको पता चल रहा है कि आई कैप जे कैप है, मतलब कहीं ना कहीं एक्स वाई प्लेन के अंदर है ही. माइनस जी जे कैप है, इसका मतलब डेफिनेटली बॉडी जो है वो नीचे गिर रहा है बाद में, राइट? तो हमारे पास में हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि जब मैंने लिखा वी एक्स की वैल्यू हमारे पास है आई कैप प्लस फोर जे कैप, तो आई कैन राइट, सॉरी नॉट वी एक्स, velocity center of mass. तो ये है, इसको मैं ux ले लेता हूँ i cap, और इसे मैं ले लेता हूँ y cap, y ui मतलब 4j cap. ठीक, इसका magnitude 1 meter per second है और इसका magnitude है 4 meter per second. ठीक है, time of flight क्या हो जाएगा, time of flight क्या हो जाएगा, 2 times of ui by g. तो 2 times of ui कितना है, ui 4, g की वैल्यू कितनी है 10, तो 0.8 सेकेंड. हो पाएगा ये, समझ में आया? यस सर. अभी मैं कैसे कर रहा हूँ yes, मैं आपको बताता हूँ. देखो आपको यहाँ कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, दिस इज All physics. देखिए ये हमारा एक्स वाई प्लेन है बेटा, ठीक है, द बॉडी इज मूविंग इन दिस वे, ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और ये बॉडी ऐसे जाएगा एंड द ग्रेविटी एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट ये जो है which you will get at different points, ये क्या है, this is your center of mass. आई बात समझ में, समझ में आ रहा है? Yes sir. और ये जो मिलेगा this is going to be h max. तो time of flight मिल गया हमें, now h max को हम लिख सकते हैं u square by 2g but u y square actually. तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना है, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 20, कितना हो जाएगा 0.8 मीटर. रेंज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है 1,
टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 0.8, सो द रेंज इज 0.8 मीटर. समझ में आया? यस सर. यस सर. Yes, sir. समझ में आए तो यहाँ बोलना, कोई जबरदस्ती नहीं है हमें, ठीक है. Now anyone has any doubt in this? Anyone has any doubt in this? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir.